मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड हल्द्वानी में परसों जो हुआ वो काफ़ी दुखदायी था। आप सभी ने देखा वहाँ क्या कुछ हुआ, जिसके बाद में इस हिंसा के बाद में धारा 144 वहाँ पर लगाई गई थी, कर्फ्यू लगाया गया था, जिससे जो आम जनमानस है उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना वहाँ पर झेलना पड़ रहा है। जहाँ कल पूरे दिन भर में कर्फ्यू का माहौल बना रहा है, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया उस क्षेत्र में, और आज के क्या हालात है, जबकि वहाँ बहुत सारे जो हमारे डिजिटल पत्रकार थे उनके द्वारा कोई भी खबर वहाँ से नहीं आ पा रही है। जो नेशनल मीडिया है सिर्फ उसी के द्वारा ही जो खबर आ रही है वही हम देख पा रहे हैं। कई लोगों को ये लग रहा है कि वहाँ के जो डिजिटल पत्रकार हैं, जो मीडिया में या मोबाइल में जिनके द्वारा वीडियो आती है वो नहीं आ पा रही हैं, तो वो यही कारण है कि वहाँ पर इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, इसलिए वहाँ से कोई भी खबर प्रसारित नहीं हो पा रही। तो हम ताज़ा हालात क्या हैं वहाँ जानते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो मौजूद थे परसों घटनास्थल पर ही मौजूद थे, जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहाँ पर ही मौजूद थे, उनसे सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ करके। तो आइए जोड़ते हैं, और वीडियो तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को जो है वो सही जानकारी मिल पाए, लोग इधर उधर भ्रामिक खबरों से बचे रहें। तो मेरे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार हमारे राहुल दरमाल जी, जो कि घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, हल्द्वानी में मौजूद हैं। तो दादा, आज क्या हालात है वहां पे हल्द्वानी के? देखिए, इस वक्त जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है। अगर हम बताना चाहते हैं जो भी हमारे को सुन रहे होंगे जी, और जो पूरे क्षेत्र में है वो पुलिस लगी हुई है, जो अन्य फोर्स हैं, जो भी सभी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी ड्यूटी अलग अलग क्षेत्रों में लगाई गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, और जो चारों तरफ है पुलिस ने उसे सुरक्षा को देखते हुए चारों तरफ से पुलिस लगाई गई है। बाकी जो अन्य स्थान है वहां को जो है बसों का संचालन भी है। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि पहाड़ों की जो बसें हैं वो लगातार चल रही है, टैक्सियां बाकी चल रही है। फिलहाल जो कह सकते हैं कि इंटरनेट सुविधा बंद की गई है ताकि कोई भी मतलब अनहोनी ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे। इस वजह से जो है प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कल मुख्यमंत्री भी हल्द्वानी पहुंचे थे जी, उन्होंने भी कहा है कि जो दंगाई थे उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा जी, और साथ ही उन्होंने जो भी सभी घायल लोग थे उनसे मुलाकात करी और घायलों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द स्वस्थ हों, और दुआ करिए, सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि सभी लोग जल्द स्वस्थ हों। बाकी अभी फिलहाल जो है वो पूरे हल्द्वानी में फिलहाल शांति बनी जी। तो राहुल सर, परसों जब आप वहाँ पे ये घटना हो रही थी, जो हिंसा हो रही थी, आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, तो कैसे आप इस निपट पाए घटनास्थल से, वहाँ से कैसे बच पाए आप? देखिए, जब ये पूरा मामला हुआ था ये लगभग 4 बजे की बात थी। उसके बाद जब प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग अतिक्रमण, जो मतलब कह सकते कि सरकारी जमीन पर बने हुए थे जी, उनको हटाने के लिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ अराजक तत्व हम कह सकते, देखिए हर समाज में वो जरूर मिल जाते हैं बिल्कुल, और कुछ अराजक तत्वों की वजह से इतनी बड़ी जो घटना है, आज देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी जो बातें निकल के आ रही है कि मजहब के नाम पे या अन्य चीजों के नाम पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है जी। लेकिन कुछ जो शरारती तत्व होते हैं, देखिए उनकी वजह से ये पूरी आग फैलती है और कहीं ना कहीं समाज को जला दिया जी। इतना जो नुकसान है, चाहे सरकारी नुकसान कहें या प्राइवेट नुकसान है, बहुत सारी जो लोगों को चोटें आई है, मतलब 100-150 जो चाहे कर्मचारी हो या जो पत्रकार साथी थे, किसी के सरों में चोट है, किसी के हाथ पैर टूटे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए कुछ शरारती तत्व जहाँ से शुरुआत होती है वहां से ये हुई, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी चारों तरफ आग लगा दी गई थी। हम वहीं मौजूद थे, खुद थाने को चारों ओर से घेर लिया था जो उपद्रवी थे उनके द्वारा, और कहीं ना कहीं मतलब ये मान के चलिए कि 30 से 50 लोगों की जलकर भी मौत हो सकती थी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वहां पर जो थाने के अंदर जो महिला पुलिस कर्मचारी थे, जो अन्य पुलिस कर्मचारी थे, प्रशासनिक अधिकारी मेरे साथ खुद मौजूद थे, मैं वहां खुद मौजूद था, और बस ये मान के चलिए कि भगवान का आशीर्वाद रहा और जो भी सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल के आए जी। राहुल सर, जैसे कि हम आपको ना कल लल्लन टॉप पे आपको देख रहा था मैं रात को, तो आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ जो लोगों को बचाने का भी कार्य कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल, वही मैंने कहा ना, देखिए हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ जो शरारती तत्व होते हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा समाज खराब होता है जी। और साथ ही दूसरी बात है कि मैंने कल भी हमारे अपने चैनल के माध्यम से भी हम लगातार वही दिखा रहे कि वहां पर भी कुछ जो पुलिस कर्मचारी या जो पत्रकार थे उन लोगों को बचाने वाले भी लोग थे, कुछ परसेंट कम हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भी कुछ ऐसे लोग भी थे जिन लोगों ने उनको अपने घरों में कमरों में शरण दी और लोगों से छुड़ाया भी कई लोगों को जी। क्योंकि भीड़ जो थी वो बहुत आक्रोशित थी, जो कह सकते दंगाई जिन्हें कह सकते हम शरारती तत्व, ये कहीं ना कहीं लोगों ने बचाया जी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया गया था, क्योंकि हल्द्वानी में सबसे बड़ी घटना ये पहली बार हुई है। बिल्कुल, ये काफी लंबे समय के बाद ऐसी जो घटना देखने को मिली, लेकिन
कहीं ना कहीं देखिए उसको उसका नाम दे दिया गया कि ये मजार हमारे वो तोड़ दिया है, मदरसा तोड़ दिया है, ये हमारे खिलाफ चलती है, सरकार हमारे खिलाफ चलती है, प्रशासन हमारे खिलाफ चलता है। लेकिन जब प्रशासन ने बताया, देखिए पिछले लंबे समय से आप भी देख रहे होंगे खबरों के माध्यम से, तो पूरे हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। ऐसा नहीं कह सकते हम कि सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र में ये हटाया गया था, और क्षेत्रों में भी लगातार हटा रहे हैं। जी जी, हमारे मंदिर शिफ्ट किए जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है। जी, तो प्रशासन ने सीधे यही बताया कि देखिए ये कोई पहला वो नहीं था, लगातार इसी तरीके के जो खबरें हैं वो आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है प्रशासन अपनी जो जमीनें हैं उनको खाली करवा रहे, चाहे वन विभाग का आप देख रहे होंगे पिछले एक साल से लगातार चल रहा है, और चीजों में भी लगातार चल रहा है। तो ये सिर्फ ये है कि एक गलत मैसेज चला गया, और वही जो उपद्रवी जो लोग होते हैं उनके द्वारा पूरे जो शहर को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता रही पुलिस की, कहे प्रशासन की, अन्य जनपदों से जो है पुलिस फोर्स पहुंच गया था, थाने को छुड़ाया गया क्योंकि थाना चारों ओर से घेर लिया था। उसके बाद ये रहा कि प्रशासन की कहना कहीं उसके बाद कह सकते कि अच्छी मॉनिटरिंग रही या प्रशासन और सरकार की, जिस वजह से कि ये जो आग है वहीं शांत हो गई थी, और उसके बाद जो है पूरी जो कहीं ना कहीं पूरे मामले को शांत किया गया और लोगों को बचाया गया, वहां से निकाला गया। जी 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 जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादी, आपने इतनी बातें हमको वहाँ से बताई, क्योंकि वहाँ पर मेरे को लग रहा है इंटरनेट बंद है, तो जैसे डिजिटल मीडिया के जो खबरें हैं वो फिलहाल बंद हैं चारों तरफ से, कहीं से भी हमें वो पता नहीं चल पा रहा है, जो मीडिया नेशनल मीडिया है वही दिखा पा रहा है हमें खबरें। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। इंटरनेट और जगह भी शायद बंद किया है, मुझे जो जानकारी मिली है कि अन्य क्षेत्रों में भी आसपास, अगर रामनगर बात करें या अन्य जगह शायद, जी मैं इसमें बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लोग कह रहे कि शायद रामनगर पर रात से नोटिफिकेशन किया था कि कल शाम से वहाँ बंद होने वाला है, अभी फिलहाल जानकारी नहीं है वहाँ की। जी जी जी, हाँ तो ठीक है सर, आप निरंतर कार्य करते रहिए, जमीन पर अपना बचाव भी करिए आप। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।